सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन गुड मॉर्निंग, आपका आज का कन्विक्शन कॉल ट्रीट क्या रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग अनुज जी। यहाँ पर आईटीसी में 2 महीने के बाद एक साइकिल चेंज हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस भी नजर आ रही थी प्राइस पे, पर जिस तरीके से पिछले 3 दिनों का डेटा है, यहाँ पर क्लियरली एक शॉर्ट शॉर्ट अनवाइंडिंग साइकिल से एक यू नो लॉन्ग बिल्टअप वाली साइकिल नजर आ रही है। 400 का सपोर्ट काफी अच्छी तरह इसने डिफेंड किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो रिकवरी प्रोसेस होगी वो शानदार होगी। लगभग पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 420 का। सो डिक्लाइंस पे आईटीसी खरीदारी करने की सलाह होगी 405 तक। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 400 के आसपास। इंट्राडे का टारगेट होगा लगभग अराउंड 412 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 420-25 तक एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है। ओके सचिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है 1650 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 1685 तक की एक रैली बन सकती है। सो यहाँ पर प्रियम कर रहा हूँ मैं एक ब्रेकआउट को। सो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1640 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में। एक बार सचिन 1661 पे देखिएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज को, या फिर 81390 पर आप देखिएगा बिरला सॉफ्ट को। क्या कुछ पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए वर्सेस इंडेक्स? क्योंकि आईटी में मुझे लग रहा है लॉन्ग्स इमिडिएटली चेज नहीं करने चाहिए। इनफैक्ट जिस तरीके से सारे आईटी स्टॉक्स का डेटा है, थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेजुअल डिक्लाइंस ही नजर आ रहे हैं। इवन एचसीएल टेक में जिस तरीके से क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1650 से लेके 1680 तक का, तो मुझे लग रहा है ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक इन्हें एक मोमेंटम वाला मूव ऑन द पॉजिटिव साइड नहीं जनरेट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है कि एचसीएल टेक लगभग अराउंड 1620-1600 लेवल के आसपास एक स्विंग बना सकता है ऑन द लोअर साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। सचिन आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। 10,000 का लेवल इसने अभी पार किया है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 और 20 के ऊपर की चाल यहाँ पर बन रही है एंड प्लस 60 मिनट्स डेटा पे कल के सत्र में जो फ्लैग पैटर्न यू नो ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है उसका आज यू नो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 10,200 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 10,440 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 9950 का। पिछले 4 दिनों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का डेटा था एंड जिस तरीके से वापस इसने 650 का लेवल तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 662 के आसपास का, तो स्टॉप लॉस आपको वहीं पे लगाना है। इंट्राडे पहला टारगेट होगा अराउंड 640 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 620 तक एक अच्छी खासी डिक्लाइन इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आ सकती है, तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने हैं बीपीसीएल के काउंटर में। बिल्कुल। अच्छा एक चीज है, मैंने ना बिरू आई थिंक उसके बाद एक फ्रेश अपडेट लेंगे यहाँ पर, वो पिरामल बात करते करते 3 का 4 हुआ, अब 4 का 5 हो गया पिरामल एंटरप्राइजेस, और अब ये रेस में आ गया एबीबी के साथ टॉप गेनर बनने के लिए। बिरू बहुत दिनों के बाद पिरामल मैं ऐसा मूव देख रहा हूँ, मतलब मैं तो भूल ही गया था स्टॉक को। लिटरली अनुज आपने भी शुरू में एक दो बार मार्क किया है, मैंने चार्ट इसका देखा नहीं था, बट बार बार क्योंकि अपीयर हो रहा था 934 और वाकई मतलब इतना इम्प्रेसिव सडनली सिंगल कैंडल से सिंगल प्राइस परफॉर्मेंस हो गया अनुज जी, आज अब 936 पे अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आया तो, है क्या अनुज दमखम है क्या इस प्राइस पर? लग रहा है कि डर लगता है मेरे डर लगता है प्राइस वाइज तो लग रहा है हाँ लेकिन डर लगता है सच में डर लगता है, मतलब क्या है ना कि डर लगता है। एक ये क्या होता है कई बार चलता है फिर एक दिन चल के रुक जाए, तो फिर इसके लिए हम थोड़ा सा स्पॉटिंग कर रहे हैं लेकिन ट्रेड नहीं लिया इसके लिए मैंने इस पे।
पर एक बात है, प्लेसमेंट इस किंडल की इस प्राइस की 938 की इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड थॉट ले लेते हैं यहाँ पर एक किसी पैनलिस्ट से। सचिन आपका व्यू क्या होगा इस प्राइस पे ऑल टाइम, सॉरी कह रहा हूँ सारे एवरेजेस के ऊपर, और प्लस सितंबर 2023 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के आई थिंक को तोड़ने के पूरे संकेत दे रहा है, आपका एक व्यू यहाँ पर? नॉट एग्जैक्टली ट्रेड बट प्राइस व्यू। ठीक है, प्राइस व्यू थोड़ा सा अफर्मेटिव है। इनफैक्ट जिस तरीके से पिछले 3 हफ्तों से 800-850 के सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो लगातार वहां पर आने के बाद से ही रिवर्सल आए हैं। एंड जिस तरीके से ये बिल्टअप है तो मुझे लग रहा है एक क्लासिक ट्रिपल बॉटम बनने के संकेत है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने अभी तक एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं की है, तो मुझे लग रहा है अगर 1 से 2 दिन अगर ये इस लेवल के ऊपर ये टिक जाता है जो लगभग अराउंड 935 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में काफी अच्छी शानदार रिकवरी हो सकती है। ऑलमोस्ट पिछले 6 महीनों से ये स्टॉक डिप्रेस रहा है, तो मुझे लग रहा है ये एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है। जब तक 850 टूटता नहीं, आई थिंक प्रोबेबिलिटी अभी यहाँ से होगी कि एक हायर साइड स्विंग बन सकता है। तो आई थिंक थोड़ा सा रिस्क ऑन सिचुएशन है, मैं थोड़ी सी यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दूंगा। एंड क्लोजिंग बेसिस पे मुझे लग रहा है लगभग 880 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है वीकली क्लोजिंग बेसिस। थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी आपको लंबी रखनी है, एंड मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे, मार्केट का पार्टिसिपेशन अच्छा आया तो ये स्टॉक वापस 1100 के आसपास का स्विंग बना सकता है अगले कुछ महीनों में। ओके, चलिए अब ब्रेक लेने की तैयारी करते हैं, 10 बजने वाले हैं तो वो शो में हमको ट्रांजिशन करना है। गावा सर, प्रशांत जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले शो के लिए बने रहें। राजेश सतपुते जी, सचिन जी, मानस जी और आशीष बहती जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेकर लौट रहे हैं और 10 के दमदार ट्रेड्स में।